दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार को पड़ा थप्पड़। प्रचार कर रहे थे कन्हैया, तभी पड़ गया तमाचा। फूलमाला पहनाने के बहाने कन्हैया के पास आए युवक और गाल पर रसीद दिया थप्पड़। प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने की यह पूरी घटना कैमरा में कैद हो गई। वीडियो जैसे ही सामने आया, देखते ही देखते वायरल हो गया और साथ ही दिल्ली में सियासी पारा भी चढ़ गया। कन्हैया कुमार के साथ यह थप्पड़ कांड कैसे, कब और कहां हुआ, आइए पूरा किस्सा आपको बताते हैं। कांग्रेस के कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग में वक्त कम बचा है, इसलिए कन्हैया भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। शुक्रवार को कन्हैया अपनी सीट के गोंडा विधानसभा के ब्रह्मपुरी वार्ड में प्रचार के लिए पहुंचे। इसी दौरान कुछ युवक फूल मालाओं के साथ स्वागत करने के बहाने समर्थकों से घिरे कन्हैया के पास पहुंच गए। और जैसे ही वो कन्हैया के पास पहुंचे, जड़ दिया कन्हैया के गाल पर थप्पड़। कन्हैया को थप्पड़ पड़ते ही अफरा तफरी मच गई। कन्हैया के समर्थकों ने फौरन थप्पड़ मारने वाले युवक और उसके साथी को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। थप्पड़ मारने वाले युवक गौरक्षा दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आरोपी युवक ने वीडियो जारी कर थप्पड़ मारने की वजह भी बताई। युवकों के मुताबिक जेएनयू में कथित देश विरोधी हरकतों के बाद से ही कन्हैया उनके निशाने पर थे। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मान पर रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे स्याही फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। आरोपी युवक अब पुलिस की हिरासत में है। बताया ये भी जा रहा है कि कन्हैया के साथ ये थप्पड़ कांड तब हुआ जब वो ब्रह्मपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गौरव शर्मा के कार्यालय में आप सदस्यों से मिलने गए थे। पुलिस अब कन्हैया के साथ हुए इस थप्पड़ कांड की जांच कर रही है। इसी बीच पूरी घटना पर कन्हैया के कार्यालय से बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया, कन्हैया को मिल रहे भारी जन समर्थन और हार के डर से बौखलाए मनोज तिवारी अपने साथी गुंडे भेजकर कन्हैया पर हमले की कोशिश की। हिंसा का जवाब वोट से 25 को जनता देगी। याद दिला दे, दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीट पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।